परिवहन विभाग द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान आरटीओ विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं सार्वजनिक जगहों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से सड़क सुरक्षा से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों में अनेक कार्यक्रम चलाकर बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क सुरक्षा रैली के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली में सड़क सुरक्षा गाना बजाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग करने और रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने का बात कही। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस पर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती है, लाखों लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं केवल जागरूकता न होने के कारण, रैश ड्राइविंग के कारण। लोगों का जीवन चला जाता है, लोगों का जीवन बचाने के लिए इसकी जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आज इस रैली का फ्लैग हुआ है। हमारी सबकी चिंता है कि ये मृत्यु दर इसमें कम होनी चाहिए, आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यद्यपि फ्लाईओवर और सब प्रकार से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, पर बढ़ती हुई आबादी के लिए इसमें भी जागरूकता आवश्यक है कि हम इसको नियंत्रण कर सके और इसको कम से कम ला सके। लक्ष्य है कि अगले 2-3 साल में हम इसको 50% कम कर सके। इसको लेकर सड़कों का निर्माण भी हो रहा है और सब प्रकार के क्रैश बैरियर और साइंस ये सब लगाए जा रहे हैं, साइन वगैरह, लेकिन आम आदमी के जागरूक होने की आवश्यकता।